तुम क्यों मुझे जंगली बिल्लियों की तरह घूर रही थी? तुम पे बड़ा असर होता है, इतनी ढीठ हो तुम। मैंने ऐसे कौन सी बोरियां सिलवा दी तुम्हारे ससुराल वालों की जो उनकी शान में गुस्ताखी हो गई? बात गुस्ताखी की नहीं है, तुम किसी के अब्बू के बारे में ऐसे कहोगे ना तो बुरा तो लगेगा ना। ऐसा क्या बुरा कह दिया मैंने? इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है, उनकी चीज थी, उनका हक था खफा होने का। यही बात मैं भी काफी देर से समझा रहा हूँ उसको, इसे समझ भी नहीं आ रहा। आप दोनों ने अपनी इज्जत का सौदा किया होगा, मैंने नहीं। मुझे ये बात बहुत बुरी लगी। खैर तो है, ये कुतुब का चमचा विधक के बाप की प्लेट में आ गया। बाप से लाड़ियां हो रही हैं क्या? तभी तो ठीक है, ये सूरज कहां से निकला था? कोई काम तो नहीं, उधार तो नहीं चाहिए मुझसे? हैं, बड़ी अफसोस की बात है बाप, आपकी हरकतें जैसी भी हों लेकिन पूरी दुनिया को हक नहीं दिया हमने बातें करने की। अच्छी अच्छी सी बातें कर रहा है, तबीयत काफी में खराब है इसकी, मुझे समझ में नहीं आ रही है। तुम्हारा हक ही नहीं बनता था ऐसी बात कहने का। तुम्हारा भी हक नहीं बनता था कि तुम दद्दू की वेस्पा दे दो। ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है। सोचने की बात ये है कि ऐसा हमेशा सुल्तान अंकल के साथ ही क्यों होता है? मेरा दिमाग मत चाटो तुम। महा, महा मेरी बात। नाक तोड़ दी महा, क्या मुसीबत है? तुम्हारी नाक टूट ही जाए ना तो अच्छा है। बदतमीज। बाजी क्या हुआ, बोरी सिल गई है आपके नाप की? तुम्हारे इतने दांत क्यों निकल रहे हैं? हम लोग मेडले सॉन्ग्स पर प्रैक्टिस कर ले, आपको पता है नानू ने हमें बहुत मजे के डांस स्टेप सिखाए हैं। यहाँ तो सारा घर में तिकनी का नाच नचा रहा है। एक तो इस घर में लड़ाई ही नहीं खत्म हो रही, शादी की तैयारियां क्या हाक होंगी। बिल्कुल सही बात। किसी बात पर हाथ मिलाओ और निकलो यहाँ से। कम से कम एक सॉरी का मैसेज तो करना चाहिए था उसको। किस मुंह से मैसेज करूं कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरे पास एक आइडिया। महा आपी ये देखे, ये मास्क लगाकर मैसेज कर ले आप। तुम्हारा दिमाग ठीक है? मैं ये लगा के मैसेज करूंगी? तो अभी तो आपने कहा था कि किस मुंह से मैसेज करूं, ऐसे पर्सनली बड़ा सूट करेगा आप पर। तुम पर भी चढ़ गया उस नेहा का रंग। ये रंग है प्यार का जो छुपाए नहीं छुपता। इधर आना बेटे। आपको मेरा आइडिया सही में अच्छा लगा है? तो निकलो यहाँ से, चलो निकलो यहाँ से, निकलो। अस्तगफिरुल्लाह, इतना अच्छा आइडिया था ना, शुक्रे लोग।